हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृतिक राव। मैं कृतिजना फिर से आ गई हूँ कुछ नए डीआईवाई के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। जैसा कि आप थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मदर्स डे स्पेशल डीआईवाई है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। तो मदर्स की आदत होती है ना कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइज कुछ करने में हो, कुछ में भी ना वो उनका जुगाड़ चलता ही है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मदर्स के लिए जो डीआईवाई बनाया जाए वो कबाड़ से जुगाड़ ही किया जाए, क्योंकि जो उनकी आदत होती है ना, तो वैसे में आकर आप कुछ स्पेशल फील कराते हो ना, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो यही सोचकर मैंने कुछ डीआईवाई बनाए हैं। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाना है और क्या क्या करना है। इन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था बेकार पड़ा गत्ता, तो वो सभी के पास होता है। तो इसकी लेंथ मैंने 10x15 सेंटीमीटर रखा था और इस तरीके से मैंने मास्किंग टेप से सारा कुछ कवर कर लिया था, एक के ऊपर सारा कुछ करके स्टिक करके सारा कुछ कवर हो चुका था। फिर मैंने ले लिया था एक्रेलिक पेंट, आप चाहें तो पोस्टर कलर भी यूज कर सकते हैं या तो वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं। तो सारा कुछ ब्लू कलर करने के बाद थोड़ा सा व्हाइट शेड मैंने दिया था ताकि थोड़ा सा अच्छा फील आए, अच्छा लगे। तो दस में मैंने थोड़ा सा आसमान वाला जो होता है ना, स्काई वाला, तो वो कर लिया था। तो ये देख रहे हैं, ये मैंने लिया है जो हमारा पेपर कैरी बैग होता है ना, उसका हैंडल है ये, तो उसको मैंने निकाल लिया था। तो सोची कि इसका तरफ चारों तरफ से मैं बॉर्डर दूंगी तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने क्ले लिया है और क्ले को जो भी शेप मुझे चाहिए थे उस तरीके से मैंने बना लिए थे और इसको 4-5 घंटे के लिए सुखा कर रेडी कर लिए थे। उसको भी मैंने एक्रेलिक पेंट से ही कलर कर लिया है और कलर वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो मुझे कलर समझ में आ रहा था तो मैंने वैसे ही कर लिया है। और फिर मैंने लिया है परमानेंट मार्कर, जो भी मुझे वहां पर ड्रॉ करना था। तो आप समझ चुके होंगे कि ये मैं क्या बना रही हूँ, स्टोन आर्ट है ये। तो स्टोन तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो क्ले से ही स्टोन आर्ट किया जाए। तो इस तरीके से मैंने फेस वगैरह सारा कुछ मैंने बना लिया था और एक हर्ट भी एड कर दिया था, तो वो अच्छा लग रहा था वहां पर। तो ऐसे ऐसे मैं और हर्ट चारों तरफ से बना दूंगी, क्योंकि बच्चे और माँ के बीच सिर्फ प्यार वाली फीलिंग ही होती है। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ कर लिया था और साइड में आप स्लोगन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने आई लव यू मॉम करके लिखा है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट डीआईवाई हो जाता है रेडी। बट उसको हैंग करने के लिए ना मैंने पीछे जो बचे हुए थे ना, जो हैंडल थे कैरी बैग के, तो उसको मैंने इस तरीके से स्टिक कर दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट डीआईवाई हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही इजी सिंपल और तुरंत ही बन जाने वाला है। तो ये अगर मॉम देखेंगे ना तो बहुत ही खुश होंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है ग्रीन कलर और फिर ये व्हाइट वाला कलर, व्हाइट वाला जो पेपर है ना, तो वो भी बेकार ही पेपर थे, बस एक साइड में व्हाइट था और दूसरे साइड में प्रिंट हो रखा था। तो प्रिंट वाला मैंने पीछे रख दिया ताकि वो उसमें स्टिक हो गए, तो व्हाइट वाला आ गया है जहां मुझे काम करना था। तो ऐसे ऐसे डीआईवाई, ऐसे ऐसे जुगाड़ मैं करती रहती हूँ। तो ऐसे जुगाड़ के लिए, ऐसे डीआईवाई के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये देख रहे हैं ना कि मैंने पेपर को इस तरीके से रफली कोई भी पेपर लिया है जो बचे खुचे पेपर मेरे पड़े हुए थे, तो सबको लेकर वैसे ही मैंने इस तरह से निचोड़ लिया था। तो जो भी कलर के आपके पास होंगे तो आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ग्लू को फैला लिया था और सबको इसी तरीके से स्टिक करते चली जाऊंगी नीचे। और फिर मैंने लिए हैं ये टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर को पहले हम जो भी मुझे कलर चाहिए था, मैंने रेड कलर का लिया है, तो इस तरीके से चारों तरफ से मैंने डॉट 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 कर लिया था और इस शेप में मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे, और उसको हाफ कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए बो बना लूंगी। तो ऐसे ऐसे बो मैं 3 बनाऊंगी और वहां पर जाकर नीचे की ओर स्टिक करते चले जाएंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो ये तीनों बो को मैंने इसी तरीके से स्टिक कर दिया था और फिर मैंने स्ट्री पैक लिया और वहां पर स्टिक कर दिया और बो एक और बनाकर वहां पर स्टिक कर दिया है। ये बुक की तरह आपको फील आ रहा होगा कि ये बुक ही लग रहा है। तो
और जो मुझे स्लोगन चाहिए था तो मैंने स्लोगन भी इस तरीके से लिख लिया है। तो आप देख रहे हैं ना कि फ्लावर पे इन्वेस्ट ना करके आप कुछ अलग तरीके से उनको एक कार्ड भी दे सकते हैं या फिर आप कहिए कि बुके दे सकते हैं। तो आप जैसे चाहे उसको आप मदर को दीजिए तो वो बहुत ही खुश होंगी इस चीज को देख के। तो नेक्स्ट डीआईवाइज है, फिर से मैं टिश्यू पेपर ही ले रही हूँ, तो वही शेप में फिर से मैंने कट कर लिया है और फिर मैंने एक पाइप ले लिया है। आप चाहें तो ब्रश का पीछे का बैक साइड को भी इस तरीके से रोल कर सकते हैं और लास्ट में आपको ग्लू लगाना है और इस तरीके से स्टिक कर देना है। तो मेरा ग्लू ना ढंग से स्टिक हुआ नहीं था तो मैंने फिर से उसको लगाया और अच्छे से उसको टिश्यू पेपर में स्टिक कर दिया था। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएंगे और थोड़ा सा वो ना रिंकल्स उसमें आते चले जाएंगे, तो वो धीरे 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 ऊपर की ओर पुश करना है और रिंकल्स आते चले जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे कीड़ा वगैरह चलता है ना, अर्थवर्म वगैरह कुछ होता है, तो उस टाइप्स के कीड़े की तरह बन जाता है। तो ऐसे ऐसे मैंने 6-7 ले लिए थे, तो वो लेटर पे डिपेंड करता है जो मैं आगे बनाने वाली हूँ, तो उस पे साइज पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लगेगा। तो मेरे 6-7 में शायद हो गए थे। तो इस तरीके से जो मैंने व्हाइट पेपर ले लिया है और फिर मुझे जो ड्रॉ करना था मैंने उसको ड्रॉ भी कर दिया है। तो इसमें आई लव मॉम लिखा है मैंने, तो और सारा कुछ मैंने ग्लू पहले लगा दिया था, उसके बाद फिर जो मैंने टिश्यू पेपर का बनाया था ना पाइप टाइप का, उसको मेजर करते हुए वैसे ही कट कर लेंगे और वहां पर फेविकोल जहां जहां लगा हुआ है वहां पर स्टिक करते चले जाएंगे। मगर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वेट, अभी आगे और भी कुछ बाकी है इसमें। तो इस तरीके से मैंने सारा में ऐसे ही मैंने स्टिक कर लिया था सारे में। तो ये देख रहे हैं ना आई लव मॉम हो गया है। और फिर वाटर कलर लेंगे, वाटर कलर को हम कोई भी कलर लीजिएगा, तो मैंने लिया है ब्लू कलर। तो इसमें क्या है ना कि सिर्फ कलर क्या है ना बहुत ही वाटरी चाहिए, मतलब कि बहुत ही पतला, उसका कंसिस्टेंसी बहुत पतला, इतना पानी उसमें ज्यादातर पानी ही होगा। तो आप हल्का सा भी पानी लेंगे ना तो टिश्यू पर आराम से एब्जॉर्ब कर जा रहा था, तो वैसे ही लेना है कि एकदम मतलब रनिंग होना चाहिए एकदम, एक ड्रॉप भी अगर डाले ना तो आराम से वो फैल जाए। तो वैसे ही मैंने लिया था, तो एकदम पानी मिला मिला कर मैंने सारा कुछ कलर कर लिया था। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सामने में देखने में, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से मेरा DIY हो जाता है। मैंने ये तीनों DIY बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना लिया था। मैं भी बहुत खुश हो रही थी कि वाह मेरे तीनों DIY बहुत ही जल्दी आज रेडी हो गए हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको इन तीनों में से कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा है और सबसे आसान लगा है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एंजॉय माय वीडियो। और अगर आपको इन चारों में से कोई भी DIY अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज क्लिक करके आप उस DIY को देख सकते हैं।